है गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी पोर्टल स्टडी पोर्टल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है तो नौ बज चुके हैं चौथे पेपर आज हमारा है ये दस तारीख मतलब चौथा हम पेपर यहाँ पर कर रहे हैं इससे पहले हमने छह अक्टूबर के जो भी एग्जाम हुए थे तीनों शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पेपर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो है आपका दस नवम्बर दो को ये आपका पेपर हुआ था ठीक है और ये आपका हुआ है साढ़े से ढाई बजे सेकेंड शिफ्ट वाला हम पेपर पर आपका देख हैं तो पेपर काफी लेंदी हो जाता है और काफी सारे बच्चों का आता है कि मैम थोड़ा सा स्लो लेके चले तो यहाँ पर हम आज सिर्फ हंड्रेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपका जनरल पेपर है यानी कि बीस जीके होंगे आपके बीस की मैथ होगी बीस की आपका रीजनिंग होगी बीस की ही आपकी हिंदी होगी और बीस की आपकी इंग्लिश होगी हंड्रेड नंबर का पेपर हम यहाँ पर आपका कंप्लीट करेंगे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा स्पेसिफिक होगा वो हम कल करेंगे ठीक है ताकि आप भी दोनों पेपर पर बराबर का ध्यान दे पाओ शुरू करते हैं वीडियो लेकिन इससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके इसके अलावा अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई भी टीचिंग एग्जाम है आपका डीएसएस है केवीएस है एनवीएस है सीटेट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ई एम आर एस या यूपीएससी प्रिंसिपल भी और घर बैठे आप स्टडी मेटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं इसके लिए आप हमें हेल्पलाइन नंबर एट डबल फोर सेवन फोर वन जीरो पर आप हमें कॉल कर लेंगे या इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे अगर आपको इसी वीडियो का लिंक चाहिए क्योंकि हम टाइम टेबल भी आप लोग के लिए बनाया है थर्टी डेज चैलेंज हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसके लिए वीडियो आती है हर रोज सुबह नौ बजे तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर से देखें और इस वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा आप हमें व्हाट्सएप के साथ भी जुड़े आप अपना नाम शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर दीजिए ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके चलिए शुरू करते हैं वीडियो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं कुमारन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप उसका सर नीचे है जी और पैर ऊपर हैं इस तरीके से वो योगा यहां पर परफॉर्म कर रहा है हिज फेस टुवर्ड्स द वेस्ट 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 का मतलब अपना यहाँ पे अपना नॉर्थ है यहाँ साउथ है यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है उसका फेस इधर है इधर उसका फेस है वेस्ट के डायरेक्शन में इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट बैंड विल बी राइट हैंड विल बी तो राइट हैंड होगा जब बंदे का अगर इस साइड है तो राइट हैंड आपका कहाँ होगा नॉर्थ की तरफ अगर यहाँ पे है तो राइट हैंड आपका कहा होगा सॉरी तो यहाँ पर आपका फेस है इधर आ, डाउन और फेस टू वेस्ट है तो आपका कहा होगा साउथ की तरफ फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन

मल्टीप्लिकेशन एक्स एक्स का मतलब क्या है हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसका मतलब क्या है हमारा सिस्टर है तो वाई एक्स की सिस्टर है वाई एक्स की सिस्टर है परसेंटेज परसेंटेज मतलब फादर है ठीक है तो x जेड का फादर है x फादर है किसका जेड का तो y इज ए आंट आंट मतलब ये है क्योंकि बहन है ये तो ये इसकी क्या है बुआ है आंट है तो ये फोर्थ अपना करेक्ट है जी आंसर नेक्स्ट फिर कुछ इसी तरीके से सीरीज आपको सोल्व करनी है आपको देखना है आपको साइन दिए गए हैं कि जहां पर ये साइन होगा उसका मतलब है प्लस जहां पर ये डाउन साइन होगा वहां का मतलब है माइनस और जहां पर ये साइन है वहां है माइनस और जहां पर ये साइन है वहां है प्लस और जहां पे ये वाला साइन है उसका मतलब है इक्वल ठीक है जी इसके बेसिस पर आपको निकालना कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पर करेक्ट है तो आप चारों को सोल्व कर लेंगे जो करेक्ट होगी वो आंसर आ जाएगा ये चारों में से ये वाली करेक्ट दी हुई है इसको सोल्व कर लेते हैं हम भी सेकेंड आपका आया और इसका मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन फाइव और ये वाले एरो का मतलब क्या है माइनस तो माइनस सिक्स फिर इस वाले एरो को फिर से इसका मतलब क्या है प्लस तो यहाँ पे आ गया प्लस उसके बाद टू और इक्वल टू इसका मतलब क्या है इक्वल टू तो हमने यहाँ पे रख दिया इक्वल टू सिक्स ये सिक्स आना चाहिए अगर ये इसको सोल्व करता है तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है तो हमारा पांच दोनों दस माइनस सिक्स प्लस टू दस से दो बारह वैसे छह के छह तो ये हमारा सेटिस्फाई करता है तो फोर्थ हमारा यहाँ पर ऑप्शन uh, करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी का परिचय देते हुए विजय ने लीला से कहा उसकी मां एक आदमी है उसका परिचय दिया उसकी मां आपके पिता की इकलौती बेटी है उसकी मां इसकी जो मां है वो किसके पिता की एक आदमी का परिचय देते हुए विजय ने किससे कहा लीला से कहा तो ये लीला है लीला से क्या कहा कि आ, उसकी मां इसकी मां आपके पिता की इकलौती बेटी है इसका जो पिता है उसकी इकलौती बेटी है तो इकलौती बेटी है ठीक है तो इकलौती बेटी मतलब एक ही है बच्चा तो इकलौती बेटी यानी कि ये खुद क्या है लीला है तो अब उस आदमी का संबंध बताना क्या है ये लीला है और ये क्या है हमने मेल है आदमी है तो मेल है तो ये इसका क्या हुआ लड़का हुआ तो पुत्र फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सीरीज कंप्लीट करनी हमें तो सीरीज में हमने हमने ने आपको पहले भी बताया है कि जब डिफरेंस थोड़ा थोड़ा हो तो हम क्या करेंगे प्लस देखते हैं तो दो दो और तीन कितने होते हैं पांच पांच और पांच कितने होते हैं दस दस और सात कितने होते हैं सत्रह यानी कि तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह यही सीरीज चल रही है अपने ठीक है ये हो गया सात सात के बाद यहाँ पे कितना हो गया नौ नौ के बाद ग्यारह ग्यारह के बाद तेरह तेरह के बाद पंद्रह पंद्रह के बाद सत्रह सत्रह के बाद उन्नीस तो लास्ट डिजिट क्या है एटी और प्लस कितना करना है उन्नीस कितना आ जाएगा एक सौ एक करेक्ट आंसर ये सेम क्वेश्चन किसी और सेट में भी आया था छ अक्टूबर वाले में नेक्स्ट एक क्यूब इज पेंटेड ग्रीन ऑन सरफेस एक क्यूब है और उसको पेंट कर दिया गया है ग्रीन सब सरफेसों पे जो है ग्रीन पेंट कर दिया गया है ठीक है तो आपको क्या करना है उसको 125 सौ माल क्यूब में काटना है तो आपको वो बताने कि कौन से टू पेंटेड होंगे तो 36 सिक्स आपका आंसर आ जाएगा आप फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्ड सेलेक्ट करना है ऑप्शन थे जो कि सेम रिलेशन शेयर करता है जो कि वर्ड्स ऑफ गिवन पेयर है जैसे कि कैमल ग्रंट करता है तो उसी तरीके से डक क्या करती है क्वैक क्वैक करती है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गणेश इज टोलर देन सुनील गणेश जो है वो टोलर है सुनील से ठीक है बट नो टोलर देन राजा बट नोट टोलर देन राजा और गणेश से बड़ा कौन है राजा है तरुण आर ऑफ द सेम हाइट राजा एंड तरुण आर ऑफ द सेम हाइट जितना राजा है उतना ही हाइट किसकी है तरुण की है ठीक है गणेश इज shorter देन अनिल जो गणेश है वो अनिल से छोटा है ठीक है गणेश जो है वो अब अनिल से भी छोटे हैं तो अनिल या तो बीच में आएगा या कहीं पहले आएगा ठीक है अब आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा छोटा है सबसे ज्यादा कौन बचा हमारा छोटा सुनील है तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन का स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस नीला वॉक ट्वेंटी किलो ट्वेंटी मीटर टुवार्ड साउथ इसके लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए तो ये हमारा नॉर्थ ये हमारा साउथ ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट यस yes. ठीक है तो लीला जो है वो बीस मीटर चलती है साउथ की तरफ उसका कोई घर है मान लीजिए ये उसका घर है ठीक है ये उसका घर है और इस घर से वो कहां चलती है इस घर से वो चलती है बीस मीटर साउथ की तरफ बीस मीटर चली साउथ की तरफ ठीक है फिर उसके बाद उसने क्या किया अपने घर से चलकर साउथ की तरफ वो लेफ्ट मुड़ी लेफ्ट मुड़ी और कितना चली तीस मीटर चली ठीक है लेफ्ट मुड़ी और तीस मीटर चली उसके बाद सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर अब उसने फिर से लेफ्ट लिया और कितना चली बीस मीटर फिर चल पड़ी जी वो सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फोर्टी मीटर एंड रीच द पार्क वो फिर क्या चला उसने फिर वो चालीस मीटर चली तो चालीस मीटर चली यहां तक चली तीस यहां पर है दस यहां पर है चालीस मीटर चली ठीक है और कहाँ पहुंच गई वो यहां पर यहां पार्क था वो पार्क में पहुंच गई ठीक है ये पार्क है और ये उसका घर था हाउ फर इन विच डायरेक्शन इज दें आपको घर कि है तो उसका घर यहाँ पर है वेस्ट और ये हमारी कितनी थी टेन मीटर तो टेन मीटर वेस्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एनएपल कॉस्ट सेवन रुपीज एपल है उसका कॉस्ट है आपका सेवन रुपीज पाइन एपल जो है उसका कॉस्ट आपका है पांच रुपए जो जो उसने है है वो spend की है fruits पर। अब आपको हैं कि एप्पल हिम कितना कॉम्बिनेशन इसमें होगा वो आपको निकालना है कि थर्टी एट रुपए में उसको फ्रूट्स मिल जाए ठीक है तो उस तरीके से अगर मैं बात करूं हम सिंपल से हम निकाल के देखते हैं तो हमें थर्टी एट है मतलब ट्वेंटी एट किसके टेबल में आता है इधर आता है तो हम मान के चलते उसने चार एप्पल खरीदे और दूनी उसने दो पानी खरीदे तो हो गया अपना 38, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एप्पल उसने कितने खरीदे चार खरीदे अपने अकॉर्डिंग वही आपका यहाँ पर आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदर्श अधिकारी होने के लिए आपको तार्किक रूप से क्या करना चाहिए एक आदर्श अधिकारी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहता है मिसिंग टर्म्स आपको फाइंड करनी है सीरीज की तो Z है फिर Z के बाद यहाँ पर क्या है आप देखेंगे Y छोड़ के X है ठीक है यहां से उल्टा करें तो हम N O छोड़ के P P में Q छोड़ यहाँ पे क्या आना चाहिए R आना चाहिए R में S छोड़ के T T में U छोड़ के V और V में W छोड़ के X सेम है ठीक है ये सीरीज हमारी सेटिस्फाई होगी अब हम बात करें इस ए वाले की तो यहाँ पर क्या है ए बी सी छोड़ के डी ई एफ छोड़ के जी h i छोड़ के j k l छोड़ के m n o छोड़ के p q r छोड़ के s ठीक है ये तो हमने कर लिया सोल मतलब r आएगा और डैश हमारा m आएगा अब हमें क्या चाहिए बीच में हमारी जो नंबर है वो क्या आएगा एक के बाद दो है दो के बाद 6 है 6 के बाद इक्कीस है इक्कीस के बाद यहाँ पे ऐसा क्या आएगा कि है आपको मल्टीप्लीकेशन वाला आपको यहां पर दिख रहा है टू स्क्वेयर प्लस टू दो दो चार दो ठीक है इसी तरीके से छ स्क्वेयर प्लस छह छिक छत्तीस और छ नहीं इतना नहीं आ रहा यहाँ पे ट्वेंटी वन है तो इसको आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितना आना चाहिए

तीन इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है अगर तीन सौ छत्तीस तक आप कैलकुलेट करेंगे तो एक सौ एक से लेकर तीन सौ छत्तीस तक तो हमारा कितना होगा एक सौ एक से लेकर तीन सौ तक मतलब दो सौ तो दो सौ को दो सौ तक हमारी जो गिनती है उसमें हमने तीन डिजिट यूज किए तो छह सौ तो हमारा यही हो गया फिर यहाँ पर छत्तीस तक फिर हो गया छत्तीस गुणा तीन और बाकी हमारा जो सेकंड और फर्स्ट वो आप कैलकुलेट कंप्लीट कर लेंगे तो नौ सौ नब्बे आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई कोड है उसमें क्या है स्क्वेयर है उसको हमने लिखा U S W C T और G तो अब हमने ट्रायंगल को हम कैसे लिखेंगे वो आपने बताना है जो पैटर्न यहां पे फॉलो है वही सेम पैटर्न आपको यहां पे फॉलो करना है तो S का U यहां पर लिखा हुआ है S T U ठीक है तो हम इसको भी इसी तरीके से लगे टी आर एस टी यू वी वी आएगा आपका यहाँ पर क्यू के बाद क्या आता है क्यू और एस का अगर हम फर्क देखें क्या क्यू के बाद ऐसा आएगा एम एन ओ पी क्यू आर एस ठीक है आर के बाद एस फिर आर में भी एस के बाद टी आ गया यू वी डब्ल्यू आई जे के यानी कि प्लस वन होता चल रहा है ए में बी छोड़ के सी ए में बी छोड़ के सी आर एस छोड़ के टी एन ओ छोड़ के पी ठीक है उसके बाद ई e, एफ छोड़ के जी तो जी एच छोड़ के आई आएगा एल एम छोड़ के एन आएगा ई e, में एफ छोड़ के जी आएगा तो वी टी के सी पी आई एन जी यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चिंता से हमेशा क्या जुड़ा है चिंता से क्या जुड़ा है गैर भ्रष्टाचार नहीं मार्मिकता नहीं कठिनाई नहीं बेचैनी बेचैनी जुड़ी है अपनी किससे चिंता से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन केयरफुली सेलेक्ट ऑफ कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोस फ्रॉम दी स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम अडल्ट आर गर्ल एंड सम गर्ल्स आर बोर्ड इसमें हम क्या बना लेंगे वेन डायग्राम बना लेंगे सम अडल्टे अडल्ट सम अडल्ट आर गर्ल ठीक है कुछ अडल्ट क्या है गर्ल है और वो कुछ कौन सी है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है सम गर्ल्स आर बोल्ड एक तो हमारा ये सेंटेंस हो सकता है स्टेटमेंट का और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है सम अडल्ट आर गर्ल्स अब ये सम गर्ल्स आर बोल्ड ये यहाँ पे भी तो हो सकता है, है ना दोनों ही वेन डायग्राम ठीक है तो अब इनके बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकालना है कि कंक्लूजन ठीक है या नहीं पहला कंक्लूजन क्या कहता है सम अडल्ट आर नोट बोल्ड ये सम अडल्ट आर नोट बोल्ड बिल्कुल करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं है सॉरी यहाँ पे करेक्ट है ना ये तो ये वाला करेक्ट है लेकिन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है सेकेंड वाला सम गर्ल्स आर नोट बोल्ड सम गर्ल्स आर नोट बोल्ड कुछ गर्ल्स बोल नहीं है लेकिन कुछ गर्ल तो बोल है पहली स्टेटमेंट में तो यही पे कह रहा है तो कुछ गर्ल बोल है तो ये तो दोनों में ही आपका गलत है तो यहाँ पर क्या हुआ अगर हमारा यहाँ पे इस तरीके से होता यहाँ पर ठीक होता तो हम बोलते दोनों में से एक कहीं ना कहीं ठीक होगा लेकिन क्या है दोनों ही गलत है तो ना तो ए फॉलो करता है और ना बी फॉलो करता है फर्स्ट स्टेटमेंट

वो पंद्रह किलोमीटर दूर है जड़ से एक्स जो है वो पंद्रह किलोमीटर दूर है जड़ से ठीक है पंद्रह किलोमीटर के दूर पे हमने मान लिया हाँ पे जड़ है दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है वाई जो है वो बीस किलोमीटर दूर है जड़ से वाई जो है वो बीस किलोमीटर दूर है जड़ से ठीक है लेकिन यहाँ पे एक्स वाई क्या है कुछ पता नहीं चला दोनों स्टेटमेंट से तो दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट से हमें आंसर नहीं मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन सी थ्रू ए मिरर ए क्लॉक सीम्स टू शोइंग टाइम एज जब एक मिरर से देखा गया तो टाइम कितना दिख रहा है 2:45 दिख रहा है तो वट इज टाइम शोन बाय द क्लॉक मिरर में दिख रहा है मिरर में क्या दिख रहा है कि 2:45 फोर्टी फाइव हुए हैं टू यहां होता है अपना 45 इधर इधर सी ठीक है नहीं, तो 245 ये दिख लेकिन होगा नौ बजे होंगे असंगत ज्ञात करें असंगत ज्ञात करना रियाल रिया युआन ये क्या है ये आपकी मुद्राएं हैं ठीक है थीके? जैसे अपनी करेंसी है रुपए इसी तरीके से करेंसी है लेकिन टोक्यो क्या है कैपिटल है तो टोक्यो यहाँ पर अलग है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पता लगाना है कितने ट्राइंगल और कितने स्क्वेयर है आप कैलकुलेट करोगे तो छब्बीस ट्राइंगल आ जाएंगे और छ आपके स्क्वेयर यहां पर आ जाएंगे ठीक है एक दो तीन चार पांच और ये 6 स्क्वेयर हो गए ठीक है इसको हटा के अगर हम कैलकुलेट करें ट्राइंगल ट्राइंगल कैलकुलेट करो वैसे आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो लेकिन फिर भी कैलकुलेट करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह तो अपने हो गए सिंपल से ठीक है बारह हो गए अब तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे पच्चीस छब्बीस हो जाएगा ठीक है कुछ ज्यादा खिचड़ी होगी लेकिन छब्बीस ट्राइंगल और स्क्वायर पे आंसर आ जाएगा तो इसके साथ अपने होते हैं यहाँ पर बीस क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और बीस क्वेश्चन अपने कौन से हो चुके हैं रीजनिंग के हो चुके हैं ठीक है थीके? अब हम करते हैं अपना जीए का पोर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन तो विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन दी स्टॉक ऑफ ए मनी इन ए बैंक कोई बैंक है वहां पे जो मनी है स्टॉक उसका जो डिटरमाइन हुआ कौन से फैक्टर हैं जिस पर वो डिपेंड करता है रिवर्स डिपॉजिट रेशो पर भी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस क्या है करेंसी की वर्सेस करेंसी चेकिंग डिपॉजिट्स की और मॉनेटरी बेस तो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस आपका यहाँ पर करेक्ट है जी ठीक है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज फाउंड इन करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है आपका अबाउट uh, कर्णम मल्लेश्वरी कर्णम मल्लेश्वरी जो है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका जो है इनकरेक्ट है इनकरेक्ट बताना है ठीक है बाकी सभी सही होने चाहिए तो गलत जो स्टेटमेंट है आपका वो आपको यहाँ पर बताना है चलिए आप देखेंगे तो ये ठीक है और जो गलत है वो कौन सा है कि इनको अर्जुन नहीं मिला, दो हजार उन्नीस सौ चौरानवे और पिचानवे में तो ये वाला आपका स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम वो भी देख लेते हैं शी वन द्रॉन्ज मेडल ये आपका यहाँ पर ठीक है और शी वॉज दी फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन दी वेट लिफ्टिंग गेम ओलंपिक मेडल तो ये भी आपका ठीक है यहाँ पर तो ये वाली चीज आपकी यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद रिगार्ड टू दी इकोनॉमी स्टेटमेंट इज करेक्ट इकोनॉमी की बात करें तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पर गलत है नहीं सही है पूछा गया करेक्ट करेक्ट कौन सा है अप्रीशिएशन अप्रीशिएशन क्या होता है वेन दी वैल्यू ऑफ वन करेंसी इंक्रीजेज रिगार्डिंग दर कर ठीक तो है तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड क्या होता है डिफ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है? So और इसी तरीके से डिप्रिशिएशन की भी दे रखी है becomes, use, wear, and tear, and तो हमारे तीनों के तीनों यहाँ पर ठीक तो है तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पतली ट्यूब में तरल पदार्थ गिरने से होने वाली घटना को हम क्या कहते हैं पतली ट्यूब में तरल पदार्थ गिरने से होने वाली को हम क्या कहते हैं कैपुलर रिएक्शन नेक्स्ट विच वन ऑफ नॉट कंसिडर्ड एज ए क्लासिकल डांस फॉर्म निमन जो दिए गए उसमें से क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है तो कौन सा है बिहू नहीं है यहाँ पर ठीक है कथक आंध्र और मणिपुरी ये सब है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आर्टिकल जो यहाँ पर इनकरेक्ट है ये बाकी सब करेक्ट है इनकरेक्ट आपका दिया है ये वाला और ये क्या कहता है कि आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ कॉन्सिक्वेश्स एंड फ्री प्रोफेशन है ये आपको गलत है वट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे वीडियो नहीं देखी है तो अंतरराष्ट्रीय जो आपका ये आप देख लेना बनी हुई है चैनल पर अपलोडेड है तो कहाँ पे है हेग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है महासागर में पानी की गहराई को मापने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है तो महासागर में अगर पानी की गहराई मापनी है तो क्या हम यूज करते हैं फेंडम मापी ए ऑप्शन फेंडम मापी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट विच प्लेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सा प्लेस है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं है वहां पर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा नहीं जुड़ा है दिलवारा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू ये नहीं डुबा हुआ है जुड़ा हुआ है बाकी सब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन यहां पर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कौन सा जो है इसमें किया है फिफ्टी परसेंट सीट में टू थाउजेंड नाइन में विच कंपनी इज ए कमर्शियल आर्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जो कमर्शियल आर्म है वो कौन सी कंपनी है दट इज एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो वो सही नहीं है तो एनसीईआरटी क्या है एनसीईआरटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच ऑफ दबाउट सत्याशोधक समाज सत्याशोधक समाज के बारे में इनकरेक्ट कौन सी है यह है कि इट वॉज इनिशियल इन सतारा एंड देन इन पुणे अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी कथन सत्य पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैल्चर इज रिलेटेड टू तो द प्रोडक्शन ऑफ सेरीकल्चर रिलेटेड है सिल्क से रिलेटेड द राइट टू फॉर्म असेंबली एसोसिएशन ए मूवमेंट इज गारंटी टू एवरी सिटीजन अंडर विच आर्टिकल तो इट इज अंडर आर्टिकल नाइनटीन पी एस एल वी पी एस एल वी के रिगार्डिंग इन करेक्ट क्या है विच वॉज सक्सेसफुली लॉन्स इन टू थाउजेंड वन ये आपका गलत है यहाँ पर दी कोरबा कोल माइन्स लोकेटेड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया कोरबा कोल्स माइन आपकी कहा है छत्तीसगढ़ में तो यह हो गया आपका जीके का पोर्शन जीए का पोर्शन बीस नंबर का यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दू, अगर आप घर बैठे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं एट डबल फोर सेवन फोर वन जीरो पर आपको हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं आप चाहे डी की तैयारी कर रहे हैं आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए नेक्स्ट है of ये ये हम पहले पहले में में कर चुके हैं क्वेश्चन आया था ठीक है तो आप यहाँ पर आंसर कितने possible pair हो सकते हैं तो क्यूब इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट सो वट इज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम जो क्यूब है उसका फॉर्मूला आप है जो भी आपका तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे तो पहले आप निकालेंगे मान लीजिए ए हमने मान लिया क्यूब की साइड और फॉर्मूला पुट करके आपके अपना होगा आपका जो भी है वॉल्यूम वो आप देखेंगे फिर उसके बाद ए को आप जो है 20 परसेंट इंक्रीज करके क्या रहेगा वॉल्यूम वो आप देखेंगे और वो आप बता देंगे कितना बढ़ेगा 72.8 परसेंट सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नं ए बी सी कैन कम्प्लीट ए वर्क इन टेन थर्टीन डेज रिस्पेक्टिवली बी सी दस दिन पंद्रह दिन, दिन काम को खत्म कर सकते हैं ए और बी ने काम स्टार्ट किया लेकिन बी तीन दिन के बाद छोड़ के चला गया फिर उसके बाद एक और बंदा आया जो था सी तो दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम पूरा किया वो आपको यहाँ पर निकालना है तो आंसर आप कैलकुलेट करेंगे सिक्स पॉइंट सेवन फाइव आपका आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस कोई आर्टिकल है उसको किसी प्राइस पे बेचा जाता है तो बाय सेलिंग इट एट फोर बाय थर्ड ऑफ दैट प्राइस कोई प्राइस है मान लीजिए एक्स उसका फोर बाय थर्ड पे अगर उसको बेचते हैं तो एक बंदे को कितना लॉस होता है ट्वेल्व परसेंट होता है तो आपको बताना कितना परसेंट लॉस होता है ओरिजिनल प्राइस से तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे थर्टी फोर परसेंट आ जाएगा नेक्स्ट ए ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज एट स्पीड ऑफ अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा कोई ट्रेन चल रही है बिना किसी स्टॉपेज के और अगर स्टॉपेज मिलाते हैं तो वो चलती है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो कितने मिनट्स का उसने जो है स्टॉपेज है वो लिया है तो यहाँ पर दिया हुआ स्पीड आराम से आप निकाल देंगे तो फिफ्टीन आ जाएगा आंसर नेक्स्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ फोर्टी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर फिटीज बच्चों के थे लिए थे थर्टी एट को पढ़ लिया एटी थ्री फोर्टी टू को पढ़ लिया ट्वेंटी फोर तो करेक्ट एवरेज मार्क्स आपको निकालने आप यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे एवरेज वाले क्वेश्चन हमने पहले भी पेपर में किया था आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है एक सम है टू वन पॉइंट सेवन वन जीरो है या पता नहीं ये कोमा है दिखाई नहीं दे रहा बट इतना है हाँ अमाउंट ठीक है कोमा ही होगा टू वन सेवन वन जीरो तो उसको ए बी सी में बांटना है ए बी सी में आपको इस तरीके से बांटना है कि दो गुना ए का शेयर पांच गुना बी का शेयर और छह गुना सी का शेयर सब बराबर है तो आप यहाँ से निकाल लेंगे रेशो और रेशो से आप कैलकुलेट करेंगे बी का शेयर पूछा गया बी का शेयर आपका आ जाएगा इसमें से पांच हजार दस रुपए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये ये दी हुई है ये आपको सोल्व करनी है तो आप इसमें आराम से ठीक है, तो है, है आगे ट्वेंटी नाइन है यहाँ पे ए स्क्वेयर नहीं है यहाँ पे ट्वेंटी नाइन टू ट्वेंटी सी स्क्वेर है सॉरी क्या ठीक है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ये फॉर्मूला है नीचे आप इसको पुट कर देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी ये वाला फॉर्मूला आप सोल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रीशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ एट परसेंट एनएम ठीक है कोई मशीन है उसका जो डेप्रीशिएशन होता है मशीन का वो कितना हो रहा है एट परसेंट पर एन एम हो रहा है इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज

और साथ में डोनोमीटर को इंक्रीज कर दिया है थ्री हंड्रेड ठीक है तो 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 आपकी जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन है 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 वो बन जाती तो आपको ओरिजिनल ओरिजिनल बनानी है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके आ जाएगी क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट टू वेसल्स ए में थ्री रेशो फाइव और इसमें है रेशो, है आपका ठीक है तो कंटेंट जो है उनको मिक्स कर दिया तो कैलकुलेट करेंगे तो फोर्टी सेवन रेशो सेवन थ्री आपका यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट है बाय सेलिंग ट्वेल्व आर्टिकल्स कोई बंदा है वो बारह आर्टिकल को बेचता है उसको तीन सेलिंग प्राइस का जो है वो प्राइव होता है उसको प्रॉफिट ठीक है तो अब आपको निकालना है कि उसका परसेंटेज कितना है परसेंटेज अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आंसर आपका आ जाएगा हंड्रेड बाई थ्री परसेंट डायगनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वेंटी नाइन एंड पैरामीटर इज डायगनल क्या होता है ये डायग्नल है ये ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया हुआ है डायगनल कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर है और पैरामीटर कितना है 82 सेंटीमीटर है एरिया आप निकाल देंगे फॉर्मूला पुट करेंगे तो फोर ट्वेंटी नेक्स्ट है यूनिट डिजिट निकालना है इसका इसका यूनिट डिजिट आप निकाल देंगे क्या करना होता है पावर को आप डिवाइड करेंगे फोर से तो तीन चार एक चार चार तीन बारह एक प्लस छह यहाँ पे भी एक बचेगा माइनस सात यहाँ पे कितना बचेगा चार एकम चार और दो बच गया तो चार पंजे बीस तीन बच गया ठीक है तो तीन एकम तीन होता है छह एकम छ होता है सात की क्यूब का थ्री आता है तो कितना आ जाना चाहिए आपका थ्री से थ्री कट सिक्स वर्किंग आवर्स डे छह आदमी हैं और वो आठ घंटे काम करते हैं तो बारह हजार छ सौ रुपए कमाते हैं जी लेकिन वही आदमी पांच दिन इन फाइव डेज ठीक है इन फाइव डेज फाइव डेज में कमाते हैं अब हम बात करते हैं सात आदमी हैं छह घंटे काम करते हैं आठ दिन काम करते हैं तो कितना कमाएंगे फॉर्मूला पुट करेंगे डिवाइडेड बाय करके और इसको इक्वल रख देंगे इधर डिवाइडेड ट्वेल्व छह सौ और उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो सत्रह छह सौ चालीस आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है बार वाला इक्वेशन है इक्वेशन आप सोल्व करेंगे जीरो पॉइंट फाइव एट बार माइनस जीरो पॉइंट सेवन टू बार प्लस जीरो पॉइंट टू सिक्स नाइन बार और आंसर आपका कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन फोर सिक्स थ्री बार आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ए बोट की अगर हम बात करें स्टील वाटर में तो वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 15 किलोमीटर जा सकती है अपस्ट्रीम और 37.5 किलोमीटर जा सकती है डाउनस्ट्रीम पांच घंटे में तो आपको स्पीड निकालनी है स्पीड आप कैलकुलेट कीजिएगा 2.5 आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लिस्ट नंबर व्हिच शुड बी एडेड टू दिस टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है और उसमें से आप जो है नजदीक जो है उसमें से कितना नंबर इसमें जोड़ना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निकाल देंगे

आपका आंसर आ जाएगा। Next question. Next question अब अपने इंग्लिश के यहाँ पर आपके तीन पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं तीन पोर्शन अपने कौन-कौन से complete हो चुके हैं? तीन अपने रीजनिंग कंप्लीट हो गया अपना जीके कंप्लीट हो गया और मैथ कंप्लीट हो गया अब अपना बच्चा मैथ और हिंदी चलिए शुरू करते हैं <coughs>

बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल रिलीजेज हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस ये आपका यहां पर करेक्ट आएगा नेक्स्ट है वट इज दिनोनियम ऑफ एबजेक्ट एब्जेक्ट का सीनोनियम यहां पर क्या है मिजरेबल ए रिपोर्ट हैज रिवील्ड दैट मेन आर पेड हाइयर

नेक्स्ट है आई वॉन्ट लैंड यू माई कार डैश यू प्रोमिस टू ड्राइव केयरफुली मैं अपनी कार तुम्हें तब तक उधार नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरे साथ प्रोमिस करो कि तुम उसको केयरफुली ड्राइव करोगे तो अनलेस नेक्स्ट है सीरोनियम बताना क्वेश्चन का क्वेश्चन यानी कि केयरफुल होना सेकंड एंटोनिम वेलियंट का वेलियंट का एंटोनिम की बात करें तो कावाडली नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ है पैराग्राफ देख लेते हैं सबसे पहले Struggling to survive, Indian airline companies could see the steepest hike in jet fuel prices in recent times on Monday, with oil companies informing them of an over minus uh, seven percent increase for October rates. Airline sources say aviation tribunal, uh, turbine fuel will cost about 74,530 per kilometer per kiloliter in Delhi this level was last seen in march 2014 and is just short of all time high of 77089 rupees in delhi in october 2013 however the impact now will be doubled as the rupee dollar exchange rate is almost 73 it is used to be 61 at the start of 2014 twin impact 7.3% hike in ATF and crashing rupee is going to be devastating for us too. Most of the eco, most cost of airlines, like aircraft lease, rental, and maintenance contracts, are in dollar. Oil companies have informed us of the steepest hike in recent times for Monday. Jet fuel prices in India for domestic flights are already the highest globally, said an airlines official. An airline like Air India expect ATF cost to rise by 65 crore this month. AI, which has an annual fuel bill of 8500 8, crore, has about 15% domestic market share. What this could lead to now, says sources, is higher sport fares in the festive season. Indigo has introduced a fuel surcharge on domestic flight of 200 and 400 for flights on sectors below and over 1000 km respectively from May 30, 2018. At the time, ATF was 17,000 per kilolitre in Delhi and the exchange rate was 67.5. With ATF at 74,500 in Delhi and the dollar at 73, Airlines living fuel surcharges could hike the same, and others will start living the same if they want to avoid a Kingfisher-like fate, said an official. Airlines are fuming as they do not understand why the government did not argument airport infrastructure at choked hubs like Delhi and Mumbai, which needed a second airport five years back. We waste tons of fuel hovering in places like these. The government was just happy, basking in the glory of India being the fastest growing aviation market, but did note nothing about airport infrastructure. We should have had new and bigger airports getting inaugurated by now instead of just stone laying ceremonies being held, said a G senior pilot. तो इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है स्टोन लेंग मतलब क्या है फर्स्ट स्टेप ऑफ एविएशन फ्यूल इन मार्च in March 2014? तो प्राइस कितना दिया फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है विच फैक्टर हैड मेड दी स्ट्रगल टू सर्वाइव टफर फॉर एविएशन कंपनीज तो एट सेवन परसेंट इंक्रीज इन ऑयल एंड क्रैशिंग प्राइसेस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज नोट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज तो इनके अकॉर्डिंग ये वाली करेक्ट नहीं है एयरलाइन है किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज इट कैन बी इनफ्र दैट इट इज ए न्यूज आइटम ऑन दर्वाइवल इशूज ऑफ एयरलाइंस नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें तो अपना हिंदी हिंदी का पैसेज देख लेते हैं द्विवेदी जी की बहुत बड़ी शक्ति है पांडित्य को पीछे सहज हो जाने की क्षमता वे बड़ी से बड़ी से बात को सरल सहर शैली में कह कर पाठक का विश्वास अर्जित कर सकते हैं उनकी शैली अनौपचारिक होती है उसमें पांडित्य और लोक जीवन का सहज प्रभाव दोनों है जैनेन्द्र कुमार शियाराम शरण गुप्त राहुल सांक्यानंद पदुमलाल लाल पुन्ना लाल बख्शी बाबू गुलाब राय सदुद्र शरण अवस्थी आदि छायावाद युग के अन्य उल्लेखनीय निबंधकार हैं। शिव पूजन सहाय सहज सरल शैली के गद्दार थे हिमालय बालक और मतवाला के संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी के उन्न में बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है तो उन्न का अर्थ क्या है उन्न का अर्थ यहाँ पे है विकास नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन कि शिव पूजन साय किसके संपादक नहीं थे तो सरस्वती के नहीं थे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग के निबंधकार नहीं है उल्लिखित के निबंधकार कौन नहीं है अः कौन नहीं है तो विद्यानिवास मिश्र नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश में पांडित्य का आश्रय क्या है पांडित्य का आश्रय है विद्वता नेक्स्ट है द्विवेदी जी की शैली कौन सी है अनौपचारिक है नेक्स्ट क्वेश्चन सारे देश भर में रोज प्रकट किया गया इस वाक्य में अंश क्या है सारे देश भर में देश भर में ही आएगा यहाँ पर देश भर जब हम बोल रहे तो इसका मतलब ही सारे देश भर है तो यहाँ पे सारे वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है चोड़ा किस प्रकार का विशेषण है चोड़ा हमारा गुणवाचक विशेषण है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग यहाँ पर संवेदना है निधड़क में कौन सा समास है यहाँ पर अव्य विभाव समास है निधड़क में सफाई किस प्रकार का संज्ञा है तो सफाई हमारी भाववाचक है सहार में उपसर्ग आपको बताना है तो सहार में उपसर्ग है सम। जो गाए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अगर बोलना हो तो अके जो गाने योग्य ना हो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है नीचे दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द की हम बात करें तो वो है जवान कौन सा तद्भव तत्सम शब्द कौन सा है तो ऑप्शन में से तत्सम है दुर्लभ आगे बताना है कौन सा देशज है तो देशज यहाँ पर ठुमरी है आरो का विलोम शब्द आरो का विलोम शब्द अवरो निम्नलिखित में से से वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है तो हस्तक्षेप इस तरीके से लिखा जाता है उन मिलित का संधि विच्छेद क्या होगा उनमिलित का संधि विच्छेद है उत्तम मिलित यमुना का प्रायवाची नहीं है यमुना का प्रायवाची कौन सा नहीं है मंदाकिनी नहीं, नहीं है अनुभवी में पढ़ते हैं, अनुभवी में कौन सा पढ़ता है ई तो यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों हंड्रेड क्वेश्चन जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है अपना रीजनिंग मैथ जीके हिंदी और इंग्लिश ये आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर है कंप्लीट जो हमने यहाँ पर टीय वन डिस्कस किया है जो हंड्रेड क्वेश्चन बच गए अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के वो हम कल कर डिस्कस करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो को हर रोज इसी तरीके से देखिए हर रोज रात को नौ आती है प्रीवियस ईयर का पेपर और अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए आपको बाय कोरियर घर तक पहुंचाया जाता है चाहे आप टीजीटी पीजीटी पीआरटी प्रिंसिपल किसी भी लेवल की तैयारी कर रही हो और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो चाहे आप दे रहे हैं अपना डीएसएस बी केवीएस एनवीएस या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक बनी रहिएगा चैनल को थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर